प्रज्ञान फाउंडेशन की अगुवाई में आनंद धारा इंटरनेशनल एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन के संयुक्त तत्वावधान में कोलकाता के प्रज्ञान भवन में आनंद धारा मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका महत्व उद्देश्य जीवन में शांति और खुशी हासिल करने का तरीका इजाद करना था। आनंद धारा इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल ने इस मौके पर आनंद धारा के 7 ध्यान सूत्र तथा लाइफस्टाइल मेडिसिन के 12 सूत्रों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज की क्लिष्ट होती जीवन शैली में ध्यान योग ही असली प्रभावी दवा है। लाइफस्टाइल मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट की ओर से प्रदान किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अग्रवाल ने युवा शक्ति से खास बातचीत की। हम लोग यहाँ रेगुलरली लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर प्रोग्राम करते रहते हैं। हम लोगों का नारा है लाइफ विदाउट मेडिसिन। हम लोग अपने गलत आदतों के कारण कई तरह के रोगों को पाल लेते हैं, और जितने भी क्रॉनिक डिजीज है आज के दिन में, उसमें 70% जो डिजीजेज हैं वो हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण पैदा होते हैं। तो हम अगर अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें, अपने खाने पीने में, अपने सोने के तरीके में, अपने सोचने के तरीके में, अपने मूवमेंट करने के तरीके में, सांस लेने के तरीके में, इस तरह से हम लोग अगर चेंज करते हैं तो हम कई रोगों से बच सकते हैं। और सिर्फ बचना ही नहीं, अगर रोग हो गया है तो उस रोग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज और उसके साथ साथ उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, उस रोग से मुक्ति भी पा सकते हैं विदाउट मेडिसिन। और इस लाइफ विदाउट मेडिसिन में बहुत बड़ा पार्ट एक प्ले करता है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान कई तरह के ध्यान होते हैं। हम लोगों ने जो ध्यान का इजहार किया यहाँ पर, उसका नाम है 7 स्टेप आनंद धारा मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के द्वारा आप 7 स्टेप है इसमें, अलग अलग स्टेप से हम लोग जब 7वें स्टेज पर पहुँचते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। हमारे अंदर एक हैप्पी हॉर्मोन्स का सिक्रेशन चालू होता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इस तरह के हॉर्मोन्स का। और सारे बॉडी में होमियोस्टेसिस होने के कारण हमारी बॉडी में एक बैलेंस आता है, एक हारमोनी पैदा होती है, जिसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी बॉडी अपने आप नेचुरली एक पावर पाती है, और जिसके माध्यम से हमारा बॉडी हील होता है। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा हमारे यहाँ पब्लिकेशंस होते हैं, हमारे यहाँ एजुकेशनल प्रोग्राम चलते हैं, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, रेकी, इन तरह की चिकित्सा पद्धतियों पर बराबर प्रोग्राम होते रहते हैं। और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ ये हो रही हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी चैरिटेबल हैं। इसके साथ हम लोग यहाँ पर एक क्लिनिक भी चलाते हैं, जिसमें मंडे से लेकर के फ्राइडे तक शाम को 4 से 7 तक एक डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स की टीम है जो चिकित्सा भी करती है, और साथ ही साथ हम लोग दवाई भी यहाँ पर फ्री में मुहैया कराते हैं। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात आयकर अधिवक्ता, समाजसेवी एवं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के अध्यक्ष नारायण जैन, लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट के संस्थापक अध्यक्ष आशीष बसाक, नारायण अकादमी के प्रिंसिपल शालोनी राय ने पुरस्कार डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल को सौंपा। इस मौके पर उपस्थित रहने वालों में जैम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल आनंद प्रसाद मौर्य, केएस अधिकारी रतन लाल अग्रवाल, डॉक्टर नमिता चक्रवर्ती, मधुमिता गांगुली, सरिता जायसवाल, चंद्रा चटर्जी, सुरेश कुमार गुप्ता, वीना खारोसिया, सुष्मिता राय, जयंत कुमार दास, सोमनाथ कर, शुभ ज्योति घोष, तापस साहा, डॉक्टर एस एन गांगुली, संगीता दास, सुमना घोष आदि प्रमुख थे। संयोजक प्रीति शर्मा ने अनीशा राय व सुशोभन कुंडू के साथ मिलकर पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।